हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 सितंबर 2024, नया महीना शुरू हो गया। दिन आज संडे रविवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को राष्ट्रीय पोषण दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1 से 7 सितंबर तक पूरे सप्ताह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में। वहीं आज ही के दिन दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। वैसे 1 सितंबर को और भी कई सारी घटनाएं घटी इतिहास में, ये देख सकते हैं आप डिटेल। और चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सबसे पहली खबर तो भारत के लिए बड़े गर्व की बात। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने एक और मेडल जीत लिया है। रूबीना को 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल मिला है और इसमें भारत ने अब तक कुल 5 मेडल जीत लिए हैं। पैरा शटलर सुकांत कदम भी सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई हमारे देश में और इन ट्रेनों से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इनके बाद अब हमारे देश में कुल 102 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं। वह देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर भी पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसमें प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सदैव राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। इस मौके पर पीएम मोदी ने डाक टिकट और एक सिक्के का अनावरण भी किया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी पीएम बोले कि महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून भारत में मौजूद है। जिला अदालतों की कॉन्फ्रेंस में बोले कि फैसले जितने जल्दी आएंगे, लोगों का भरोसा भारतीय कानून पर, लॉ एंड ऑर्डर पर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। चलिए खबर है दोस्तों, हरियाणा में अब एक नहीं बल्कि 5 अक्टूबर को मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में भी मतगणना की तारीख को बदला गया है और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख भी बदल गई है। अब दोनों ही राज्यों के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। पहले मतदान 1 तारीख को होना था लेकिन अब 5 अक्टूबर को होगा हरियाणा में। हरियाणा में तो एक ही चरण में सिंगल फेज में मतदान होंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होंगे, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को, और चुनाव के रिजल्ट दोनों के ही 8 अक्टूबर को आएंगे। हिमाचल प्रदेश में भी पंचायत सीटों पर उपचुनाव के लिए ऐलान हो चुका है। 29 सितंबर को मतदान होगा। आचार संहिता भी लागू हो गई हिमाचल में। चलिए खबर है, तमिलनाडु सरकार ने गूगल कंपनी के साथ एक MOU साइन किया है और कंपनी राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स बनाएगी। 20 लाख से ज्यादा युवाओं को AI में स्किल किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है तमिलनाडु सरकार के वाकई में। चलिए खबर है दोस्तों, पंजाब हरियाणा संभव बॉर्डर पर किसान आंदोलन में पहुंची विनेश फोगाट। इनका सम्मान किया गया और ये बोले कि हक मांगने वाला हर व्यक्ति राजनेता नहीं होता है, धर्म से भी ना जोड़े सबको। खबर है, केरल में RSS की 3 दिन की बैठक जारी। मोहन भागवत और JP नड्डा भी इसमें मौजूद रहे। नया BJP अध्यक्ष और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर भी इस बैठक में चर्चा की संभावना है। चलिए खबर है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित 1 सितंबर से यानी आज से सेंट्रल एयर कमांडर का पदभार संभालेंगे। और वहीं वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए तेजिंदर सिंह और आशुतोष दीक्षित नए सेंट्रल एयर कमांडर नियुक्त हुए हैं। और IAS धर्मेंद्र को दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। ये भी आज 1 सितंबर से कार्यभार संभालेंगे, यानी दिल्ली के ये नए मुख्य सचिव होंगे अब धर्मेंद्र। ये नरेश कुमार की जगह लेंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की एक घटना है। बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन फट गया, उसके चलते दोनों हाथ और बच्चे की जांघ भी झुलस गई। एक बड़ा भाई भी पास में था, वो भी घायल हो गया। फोन को चार्जिंग पर लगाकर ये बच्चा मोबाइल चला रहा था। वैसे तो आए दिन मोबाइल फोन में विस्फोट की घटनाएं सामने आती रहती है, इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स भी शेयर करना चाहता हूँ। स्मार्टफोन में ब्लास्ट होने के पीछे कुछ प्रमुख वजह क्या है। एक तो चार्जिंग के समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना भी इसकी वजह हो सकता है। फोन का लंबे समय तक धूप में रहना, बैटरी को ज्यादा ओवरचार्ज करना, क्योंकि इससे मोबाइल फोन हीट हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ध्यान रखें, चार्जिंग के समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। लगातार 2-3 घंटे फोन चलाने के बाद मोबाइल फोन को थोड़ा ब्रेक दें और भी इन बातों का ध्यान रखें, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर एक बार फिर से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा पीएम मोदी ने ये मूर्ति गिरने पर माफी भी मांगी थी। 26 अगस्त को ये घटना हुई थी। चलिए खबर है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दूसरे लेटर पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया और कहा कि रेप के मामलों में फांसी का प्रावधान हमारे भारतीय कानून में पहले से है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कड़े कानून बनाने की मांग की थी ऐसी घटनाओं पर, है ना। वैसे कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर मामले केस पर एक बड़ी खबर आ रही है। अब पुलिस के सिविक वॉलेंटियर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जूनियर डॉक्टरों के प्रोटेस्ट में शराब पीकर बाइक चलाई, छात्र को भी टक्कर मारी थी, तो इस मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। वैसे अस्पतालों में इन घटनाओं से सबक लेकर अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी एक नया आदेश जारी कर दिया। देखिए, यूपी के अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है। अब बिना प्रवेश पत्र के नहीं ठहर सकेंगे तीमारदार। महिला डॉक्टरों को स्पेशली गार्ड भी मिलेगा, यानी कि महिला डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए। रात में दूसरे वार्ड में जाने के दौरान उनके साथ में गार्ड रहेगा। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए योगी सरकार की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि स्पेशली महिला चिकित्सकों के लिए वाकई में अच्छी बात है। चलिए अगली खबर देखिए, सितंबर महीने में अमेरिका के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। सैम पित्रोदा ने बात की जानकारी दी। 3 दिन उनका अमेरिका का दौरा होगा और इसी महीने सितंबर में पीएम मोदी भी 3 तारीख को ब्रुनेई का दौरा करेंगे, फिर 4 तारीख को सिंगापुर भी पहुंचेंगे। तो राहुल गांधी और मोदी दोनों का विदेश दौरा देखने को मिलेगा इस बार। वैसे खबर है दोस्तों कि इस महीने सितंबर में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भी भारत आएंगे, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, 1 सितंबर से आज से क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। HDFC बैंक, IDFC समेत कई सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड के नियम बदल जाएंगे। एक तो रुपे क्रेडिट कार्ड धारकों को भी फायदा होगा, क्योंकि रुपे कार्ड धारकों को
भी अब रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह ऑफर के बेनिफिट मिलेंगे। और वही HDFC बैंक में भी रिवार्ड पॉइंट कैप से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं, यानी इसमें आपको कुछ लिमिटेशन मिलेगी। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक के भी कुछ नए नियम आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट जनरेट होने की तारीख के भुगतान की ड्यू डेट 18 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है वगैरह वगैरह। वही दोस्तों आज 1 सितंबर से राजस्थान राज्य के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा, सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। हालांकि उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर लेते समय पूरा पैसा देना होगा, लेकिन बाकी बची सारी राशि उपभोक्ताओं के खातों में सब्सिडी के रूप में वापस जमा कर दी जाएगी। आपको सिर्फ 450 रुपए ही गैस सिलेंडर के देने पड़ेंगे। एक तो उज्ज्वला गैस योजना से जुड़े सभी ग्राहकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी की योजना राजस्थान में आज से शुरू होने जा रही है। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले NFSA परिवारों को ये 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। NFSA का मतलब है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के जो अंतर्गत परिवार आते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के, उन सभी को 1 सितंबर से ये 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा, है ना। जैसे BPL परिवार वाले हो गए, तो इस तरह से राजस्थान राज्य में लगभग 68 लाख से भी ज्यादा परिवारों को आज से LPG गैस सिलेंडर की इस योजना का फायदा मिलेगा। हालांकि सरकार का यह कहना कि राजस्थान में सस्ता गैस सिलेंडर और फ्री गेहूं ले रहे परिवारों की जांच भी की जाएगी। जिनके घर में AC है या कार है उनकी सब्सिडी को अब खत्म किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए अब सरकार का कहना है कि फ्री गेहूं ले रहे 1 करोड़ परिवारों की जांच की जाएगी। और घर में AC है या 4-व्हीलर है कार वगैरह, तो ऐसे परिवारों को इस योजना से बाहर किया जाएगा। सरकार ने ऐसे सभी मुक्त खोरों की लिस्ट भी मांगी है। 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी राजस्थान सरकार इस योजना पर, है ना। वहीं UPI वगैरह को लेकर भी इस महीने सितंबर में नए सिस्टम शुरू होने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कल अपडेट, अब एक UPI अकाउंट से 5 लोग पेमेंट कर पाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से UPI सर्कल करके एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसमें 1 महीने में 15,000 तक के ट्रांजेक्शन की लिमिट होगी। यानी अब आपके परिवार में भाई बहन या दोस्त मित्रों को भी आप चाहें तो अपने UPI अकाउंट का एक्सेस दे पाएंगे, है ना। वहीं देखिए कुछ और अपडेट, बिहार पटना में डीजल बसों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा 1 सितंबर से ही। शहरी क्षेत्रों में सिर्फ CNG बसों के संचालन की ही अनुमति होगी अब। बिहार में 1 सितंबर से शिक्षा विभाग की तरफ से भी एक नया आदेश जारी किया गया, हाजिरी और मानदेय से जुड़ा। राज्य में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की भांति अब शिक्षा सेवकों की भी उपस्थिति ई शिक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन लगानी पड़ेगी। और शिक्षा विभाग का यह आदेश आज 1 सितंबर से ही प्रभावी यानी कि लागू होगा। फिर जो अगले महीने 1 अक्टूबर से उनकी सैलरी आएगी, तनख्वाह आएगी, वो भी ई शिक्षा कोष पर हाजिरी के अनुसार ही तैयार होगी। इसलिए ऑनलाइन अटेंडेंस लगवाना अब जरूरी होगा बिहार में, ठीक है ना। देखिए पेंशन पर बड़ी खबर आ रही, UPS OPS मामलों पर अब होगी पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई। विपक्ष को साथ लेकर सरकार को घेरने की रणनीति में जुटे अब सरकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार में बड़े कर्मचारी संगठनों ने PM मोदी को पत्र लिख करके भी UPS का विरोध जताया है। और अब देश भर के कई कर्मचारी संगठन विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को साथ में लेकर सरकार को घेरेंगे। पुरानी पेंशन पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए यह नई रणनीति बनाई गई है। चलिए आपकी हेल्थ को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही। देखिए देश में हर चौथा व्यक्ति इस गंभीर समस्या का शिकार है, जिसका समय पर अगर इलाज न हुआ तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। दरअसल हालिया ताजा रिसर्च के मुताबिक, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी साझा की गई, उसके अनुसार हमारे देश में हर 4 में से 1 व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है, उच्च रक्तचाप की समस्या है, और इस वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए आप अपना ब्लड प्रेशर टेस्ट जरूर करवा लें। ये देख सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ट्वीट भी किया गया इस संबंध में। BP हाई की समस्या है 1 in 4 इंडियंस। एक और बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट जो ग्लोबली वैश्विक लेवल पर निकल कर आ रही है कि आयोडीन और विटामिन ई साथ ही कैल्शियम की कमी से जूझ रही है दुनिया भर की 5 अरब की आबादी। हालांकि भारत की स्थिति भी इसमें काफी खराब है। दुनिया भर में 185 देशों में ये अध्ययन किया वैज्ञानिकों ने, जिसमें ये रिसर्च में खुलासा सामने आया है। भारत में भी लोग आयरन, कैल्शियम और फोलेट जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों का भरपूर मात्रा में सेवन नहीं कर रहे हैं। और भारत में दवाइयों को लेकर भी एक चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, हर 10 में से 6 कॉकटेल दवाइयां अवैध हैं। हालांकि हाल ही में सरकार ने कई सारी कॉकटेल दवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था, आपको पता होगा। अनुमति न मिलने के बाद भी दुकानों पर सबसे ज्यादा इस तरह की दवाइयां बिक रही हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, राज्यों को करों में हिस्सेदारी के रूप में 3.66 लाख करोड़ रुपए का फंड जारी किया केंद्र सरकार ने, जो कि पिछले साल से 57,109 करोड़ रुपए ज्यादा है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई। वही देखिए भारत के डिजिटल पेमेंट पर बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि विश्व के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ते हुए भारत के UPI ने इस साल अप्रैल से जुलाई के बीच लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया। ऑन एवरेज देखा जाए दोस्तों, तो देश में हर सेकंड 3,729 रुपए का UPI लेन देन हो रहा है। और डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ने अमेरिका, चीन और ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। इस मौके पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर बोले कि दुनिया के कई और देशों में UPI के और बढ़ने की संभावना है। शक्तिकांत दास ने कहा कि भविष्य में इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा UPI लेन देन का, है ना। चलिए अगला अपडेट है, पशु उत्पाद निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। देश के 8 राज्यों में बनाई जाएगी FMD फ्री जोन। FMD यानी पशुओं में होने वाला प्रमुख रोग होता है ये खुरपका और मुंहपका। तो देश के 8 राज्यों में किसानों के पशुओं को इन रोगों से मुक्त करने के लिए सरकार ने ये नया प्लान बनाया है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, महंगाई पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि 20 साल बाद कितनी रह जाएगी 1 करोड़ रुपए की कीमत। क्या कभी आपने हिसाब लगाया इस पर? आपने जरूर अपने दादा दादी माता पिता से ये बातें जरूर सुनी होगी कि पुराने जमाने में तो 1 रुपए 5 रुपए में इतनी चीजें आ जाती थी, 10 रुपए में इतनी चीजें आ जाती थी। मतलब उस समय रुपयों की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, जबकि आज के जमाने में हम खुद देख रहे हैं 1, 2, 5
पास 10 तो क्या 100 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं रही है। ऐसे में जो आज 1 करोड़ रुपए हैं, आने वाले 10 साल 20 साल बाद इनकी कितनी वैल्यू होगी। अभी भारत के इन्फ्लेशन रेट महंगाई के हिसाब से देखा जाए, मान ले कि महंगाई की दर 6% बनी रहती है जो कि नॉर्मल मार्केट में रहती है, मतलब अभी जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है, जाहिर सी बात है अगले साल उसके रेट 106 तो हो ही जाएंगे, इतनी तो महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ता ही है ना। तो उस हिसाब से भी कैलकुलेशन करें दोस्तों, तो 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए की कीमत सिर्फ 55,84,000 रुपए रह जाएगी, और इसी तरह से 20 साल बाद 6% महंगाई दर के साथ 1 करोड़ रुपए की वैल्यू घटकर लगभग 31,18,000 रुपए रह जाएगी। मतलब समझ रहे हो अब आप कि महंगाई किस तरह से आपके निवेश और सेविंग की असली कीमत को धीरे धीरे खाती जाती है। इसलिए तो मैं आपको कई बार कहता रहता हूँ दोस्तों कि पैसों को सही जगह पर निवेश करें, जिससे कि आपको महंगाई से बेहतर रिटर्न मिल सके, क्योंकि एक बैंक एफडी में लगभग उतना ही रिटर्न मिलता है 6.5-7% जितना इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ती है, यानी बैंक एफडी में आपका पैसा न तो बढ़ रहा न कम हो रहा, मार्केट इन्फ्लेशन के बराबर ग्रोथ होती है। इससे अच्छा आप कहीं प्रॉपर्टी में, इक्विटी में, गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हो तो अच्छा रिटर्न मिलता है, हालांकि वहाँ रिस्क भी होती है, लेकिन कुल मिलाकर ये है महंगाई की गणित। अब आप समझ गए होंगे। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का, अपडेट में आगे बढ़ते हैं। देखिए मौसम विभाग का कहना है कि देश में इस महीने सितंबर में भी सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया और कहा कि पिछले महीने अगस्त के बाद इस बार सितंबर में भी मानसून अच्छा खासा कहर भर पाएगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिलेगी आपको। और अभी के हालात देखिए आप, आंध्र प्रदेश में बारिश का कहर, 7 लोगों की जान चली गई। गुजरात में तो बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है, ये आपको पता ही है। वहीं उत्तराखंड में 15 सितंबर के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगी चारधाम यात्रा। पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर अभी हर रोज 5,000 यात्री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो प्रशासन भी तैयारियों में जुटा। और देखिए केदारनाथ से एयरलिफ्ट किया जा रहा एक हेलीकॉप्टर भी गिराना पड़ा। इस हेलीकॉप्टर को रिपेयरिंग के लिए ले जा रहे थे टॉक करके, मतलब दूसरे हेलीकॉप्टर के बांध करके, लेकिन हवा में बैलेंस बिगड़ा तो पायलट ने उसे सुरक्षित जगह पर गिरा दिया। और कुछ और राज्यों के मौसम के हालात देखिए दोस्तों, राजस्थान के 22 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। अब तक राज्य में 50% से ज्यादा बरसा पानी। हालांकि मौसम विभाग का कहना कि अब मानसून धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा, 3 सितंबर तक उसके बाद फिर राज्य में बारिश नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में ये तस्वीरें देखिए, आगरा में जोरदार बारिश हुई, हाईवे पर कारें भी डूब गई, कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया, सोफा बेड वगैरह भी डूब गए, तस्वीरें देख सकते हैं। वाराणसी में गंगा नदी, वरुणा नदी उफान पर चल रही है, 30,000 से ज्यादा परिवार अलर्ट मोड पर है। और मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए, इंदौर समेत 9 जिलों में बारिश हुई, उज्जैन में डैम का गेट भी खोलना पड़ा। आज से एमपी में फिर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे 35 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना है। बिहार में अब मानसून कमजोर पड़ रहा, अगले 3 दिन बारिश की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में देखिए, गरियाबंद, धमतरी समेत 11 जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी है। सितंबर के पहले सप्ताह में छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला चालू रहेगा। हिमाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों, इस साल बारिश की वजह से 126 करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई। 2 सितंबर से हिमाचल में फिर से बारिश की चेतावनी। हरियाणा में भी मानसून ने फिर से पकड़ी रफ्तार, 8 जिलों में अलर्ट है अगले 3 दिन तक। पंजाब, चंडीगढ़ में भी 2 सितंबर को फिर से एक्टिव होगा मानसून, येलो अलर्ट जारी। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आज 1 सितंबर को 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है इन सभी स्टेट में, है ना। गुजरात में अभी जो बाढ़ चल रही है उसके बावजूद भी 5 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी है। कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट है, तटीय इलाकों में और ज्यादा भारी बारिश की संभावना है, तो जरूर सावधान रहिएगा। ये बाढ़ के हालात देख सकते हैं आप गुजरात में अभी कितने गंभीर चल रहे हैं। चलिए अब अपना आज के सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज संडे है, मैं आपको पूरा साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोने चांदी में तेजी रही, सोना 543 रुपए बढ़कर 71,958 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, जबकि चांदी में भी इस सप्ताह 404 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई और अभी चांदी का रेट 85,019 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। चलिए मार्केट के कुछ अपडेट देखिए आप। निवेशकों के लिए खबर है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ 9 सितंबर को ओपन होगा, 6,560 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। वहीं वेदांता कंपनी राजस्थान में 1,00,000 करोड़ का निवेश करेगी। इस फंड को रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। चलिए खबर है, सरकार ने आज से क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटाया, 2100 रुपए से घटाकर 1850 प्रति मीट्रिक टन कर दिया। डीजल, पेट्रोल और एटीएफ पर भी छूट बरकरार रहेगी विंडफॉल टैक्स में। और वही देखिए बड़ी खबर, सेबी ने एफएंडओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में शेयरों की एंट्री और एग्जिट के नियम बदल दिए हैं, और इन नियमों के बाद अब जेके सीमेंट समेत 23 स्टॉक्स एफएंडओ कैटेगरी से लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, जबकि जोमेटो और अडानी ग्रीन की एफएंडओ के सेगमेंट में एंट्री हो सकती है, क्योंकि सेबी की तरफ से ये नियमों में बदलाव किया है। वही देखिए बड़ी खबर, अवैध इन्फ्लुएंसर्स के साथ सेबी में पंजीकृत लोगों का भी नहीं होगा अब कोई लेन देन, जिससे जोखिम कम होगा। सेबी की तरफ से इन्फ्लुएंसर्स से जुड़े ये नियमों में भी बदलाव किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी मिला नवरत्न का दर्जा। ये कंपनी को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने नवरत्न का दर्जा दे दिया, और इससे पहले भी SJVN, NHPC और SECI को भी नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। टोटल 4 सरकारी कंपनियों को सरकार ने नवरत्न कंपनियों की लिस्ट में शामिल कर लिया। अब ये संख्या टोटल बढ़कर 25 से ज्यादा हो चुकी है। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 सालों में 90% तक बढ़ी है। सरकार का एक और प्लान देखिए, हमारे देश में टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक्स कल पुर्जे विनिर्माण परिवेश बनाने के लिए एक नई योजना लाएगी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार हमारे देश में मतलब मजबूत इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनाने का नया प्लान
लगा रही है ताकि कंपनियां अच्छी बिल्ड क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट उपकरण बनाए, है ना। चलिए खबर है, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से त्वरित विशेष न्यायालय की स्थापना और इनके संचालन में तेजी लाने को कहा है। कोलकाता मामले के बाद अब ये पश्चिम बंगाल सरकार को महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया। चलिए खबर है, देश की बढ़ती आबादी के लिए दूध की जरूरतों को पूरा करेगा अब बायो मिल्क। जरा समझिए ये बायो मिल्क क्या है। तो दरअसल दोस्तों अब हमारे देश में जैसे जैसे जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूध की मांग भी बढ़ रही है, तो अब बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने से जुड़ी संभावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया है। और इसके तहत सरकार ने देश की पहली बायो E3 पॉलिसी भी जारी की है। ये E3 का मतलब है यहाँ इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। इस E3 पॉलिसी का पहला मकसद ये होगा हमारे देश में दूध, खाद्यान्न, पर्यावरण समेत आम जनजीवन के सामने खड़ी होने वाली प्रत्येक चुनौती से निपटने की तैयारी है। अब यहाँ पर आपने सुनी होगी एक टर्म की बायो मिल्क। ये बायो मिल्क क्या है, कैसे बनता है? तो जैविक दूध, हिंदी में इसका मतलब होता है जैविक दूध। ये उन गायों से प्राप्त होता है जिन्हें जैविक चारा दिया जाता है, जो बाहर रह सकती है, तथा उनके दूध उत्पादन में एंटीबायोटिक्स या वृद्धि हार्मोन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस पर सरकार अब फोकस बढ़ा रही है ना। चलिए अगली खबर देखिए, पुरुन इंडिया रिच लिस्ट जारी की गई महिलाओं की। सेल्फ मेड महिलाओं में जोहो कंपनी की फाउंडर अव्वल रही बॉलीवुड एक्ट्रेस का भी जलवा देखने को मिला। ये भारत की टॉप 10 महिला अरबपतियों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के 10 देशों में मानवीय संकटों के निपटान के लिए $100 मिलियन आवंटित किए। खबर है, मास्टर कार्ड ने भारत में भुगतान पास की सेवा शुरू की, पेमेंट को ऑनलाइन शॉपिंग को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए। वहीं देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने यूको बैंक और सेट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर जुर्माना लगाया नियमों का उल्लंघन करने के चलते। खबर है, गोवा में पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत NCAP का सेफ्टी रेटिंग स्टिकर लॉन्च हुआ, जो कि कारों के क्रैश टेस्ट के बाद कारों पर लगाया जाएगा, और ये स्टिकर पर लगे QR कोड को स्कैन करके उस कार की सेफ्टी रेटिंग को जाना जा सकेगा। ऑटो इंडस्ट्री से एक और खबर है, न्यू जनरेशन रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 आज लॉन्च होगी। इस अपडेटेड बाइक में आपको LED लाइटिंग सेटअप के साथ डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा। चलिए खबर है, चुनावी तारीखों के माहौल के बीच हरियाणा में एक और विधायक ने JJP छोड़ी, आज ये BJP ज्वाइन करेंगे। 10 में से 6 MLA पहले भी पार्टी छोड़ चुके हैं। जजपा में अब सिर्फ माँ बेटे समेत 3 बचे हैं। वही देखिए, झारखंड में पहली बार एक ट्रांसजेंडर को CHO के पद पर नियुक्ति दी गई। और बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA का कहना है कि हमने कल्पना चावला की मौत से सबक लिया। वो बोले कि अब सुनीता विलियमसन की वापसी में जल्दबाजी नहीं की जाएगी। आपको बता होगा, ये भारतीय एस्ट्रोनॉट अभी अंतरिक्ष में फंसी हुई है, तो इन्हें फरवरी 2025 तक वापस धरती पर लाया जाएगा। जल्दबाजी नहीं होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, रशिया ने यानी कि रूस ने US को बड़ी चेतावनी दी और कहा कि आग से मत खेलो, तीसरा विश्व युद्ध होगा अगला कदम। जी हाँ, साफ साफ चेतावनी दे दी है थर्ड वर्ल्ड वॉर की, धमकी दे रहा अब रूस। रूस यूक्रेन तनाव के बीच जो अमेरिका बीच में पड़ रहा है, तो इसको लेकर रूस ने अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी दी है। चलिए अगली खबर देखिए, भारत सरकार का नया प्लान, अब नहीं बेची जाएगी सरकारी कंपनियां। दरअसल दोस्तों अब सरकार का यह प्लान है कि जो कंपनियां अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है उन्हें बेचा नहीं जाएगा, यानी कि उनका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा, बल्कि उन कंपनियों में अब सुधार किया जाएगा, सही नीतियां बनाई जाएगी जिससे कि उन कंपनियों की ग्रोथ अच्छी हो सके। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए, खाद्य व्यापारियों के लिए CMHO की तरफ से आवश्यक निर्देश जारी किए गए कि व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। राजस्थान सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए, यानी कि मिठाइयों की दुकान वगैरह वाले जितने भी लोग बाग हैं, व्यापारी हैं, उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा ऐसा। वहीं राजस्थान राज्य में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने पर भी अब रोक लग सकती है, क्योंकि डिप्टी CM के निर्देश, 5 दिन में HSRP लगाकर आगे की बुकिंग के पैसे रिफंड करें। ये डिप्टी CM की तरफ से राज्य में निर्देश जारी किए गए। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, किसान भाई लोगों के लिए सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने पर मिलेगा 60% अनुदान। कृषि विद्युत कनेक्शन का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छा मौका होगा, वो अगर अपने खेत पर सोलर प्लांट लगाते हैं तो 60% अनुदान सीधा राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा ना। वहीं राजस्थान राज्य में जन्म मृत्यु पंजीकरण को 100% पूरा कराने का निर्देश दिया। जनगणना कार्य निदेशालय के संयुक्त महा रजिस्ट्रार व निदेशक ने अधिकारियों के साथ बैठक में आदेश जारी किया। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा ऑफ बीट डेस्टिनेशन होंगे विकसित। भोपाल में IATO का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, दूसरे दिन भी कई सेशन हुए इसमें। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को तीज पर सरकार गिफ्ट देगी। 2 सितंबर को मुख्यमंत्री जारी करेंगे महतारी वंदन योजना की राशि। मुख्यमंत्री निवास में होगा पोरा तिहार कार्यक्रम का आयोजन भी। इस योजना के तहत आपको बता होगा, प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते हैं, तो इससे पहले भी महतारी वंदन योजना की 6ठी किस्त 1 अगस्त को जारी कर दी गई है। अब इस योजना में लगभग 70 लाख महिलाओं के खातों में राशि भेजी जाती है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, तो अब अगली किस्त 2 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास से भेजी जाएगी। वही देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 30 घंटे से सड़क के लिए आंदोलन किया लोगों ने। 6 गांव के 200 से ज्यादा ग्रामीण धरने पर निकले, बोले कि 12 किलोमीटर तक कीचड़ है, विकास के नाम पर दुर्गति हो रही है। रायगढ़ जिले का यह मामला सामने आया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया, कहा कि केवल हथियार की बरामदगी के आधार पर दोष सिद्धि नहीं की जा सकती है। एक केस की सुनवाई करते हुए सभी 4 आरोपियों को बरी कर दिया है। वही खबर है दोस्तों, 2 सितंबर को उत्तर प्रदेश के आगरा में जुटेंगे 5,000 जूता व्यापारी। GST कम करने की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कारीगरों की समस्याओं को भी बताएंगे। वही देखिए, यूपी गोरखपुर में भी
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, किसानों पर दिए बयान पर नाराजगी जताई। खबर है दोस्तों, दिवाली और छठ पर बिहार आने वालों के लिए चलेगी स्पेशल बस। 1 अक्टूबर से होगी बसों की एडवांस बुकिंग भी। ट्रेनों की सीटें फुल है तो ये एक्स्ट्रा बसें चलाई जा रही है। इनका किराया वगैरह कितना होगा जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश में अब महंगी हो सकती है बिजली, क्योंकि सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड को ज्यादा मजबूत करने के लिए ये प्लान कर रही है कि राज्य में बिजली की दरें बढ़ाई जा सके। हालांकि बिजली दरों पर एक अच्छी खबर है उत्तराखंड में। देखिए महंगी नहीं होगी बिजली, क्योंकि नियामक आयोग ने UPCL की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि इस याचिका में 8.5% से भी ज्यादा बिजली बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन फिलहाल ये याचिका खारिज हो गई, तो फिलहाल उत्तराखंड वासियों को महंगी बिजली से राहत मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, गुजरात में डॉक्टरों के लिए अच्छी खबर आई है। अब इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों की सैलरी में भी बढ़ोतरी की गई है। इंटर्न को 21,840, डेंटल को 20,160, फिजियो को 13,440 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। गुजरात राज्य सरकार की तरफ से सभी तरह के डॉक्टरों के लिए ये रिवाइज्ड पैकेज जारी किया, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संविदा शिक्षकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया और कहा कि बार बार चयन प्रक्रिया करना अन्यायपूर्ण है। या तो उनको स्थायी नियुक्ति दे, बार बार उनके साथ मतलब नौकरी का खेल ना खेला जाए, ऐसा है ना। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में कॉन्टेक्ट लेस और फेसलेस सर्विसेज का बढ़ेगा दायरा, ई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बनेगा अब जरिया। यूपी सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया जा रहा। परियोजना पूरी तरह से लागू होने के बाद लोगों को सरकारी विभागों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, ऑनलाइन माध्यम से ही वन स्टॉप सॉल्यूशन उपलब्ध होगा। ये देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार की क्या नई प्लानिंग है इसको लेकर। चलिए खबर है, मध्य प्रदेश में अब अगर टीचर ने ट्रांसफर के डर से प्रमोशन नहीं लिया तो फिर बड़ा नुकसान होगा। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया, जिससे कर्मचारियों को परेशानी हो सकती है। दरअसल बात कुछ यूं है, सरकार का ये मानना है कि कई कर्मचारी तबादले के डर से यानी कि ट्रांसफर होने के डर से प्रमोशन लेने से भी बचते हैं, तो अब राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया कि जो कर्मचारी प्रमोशन नहीं ले रहे ना, तो फिर उन्हें उच्च वेतनमान का लाभ नहीं मिलेगा। एक बार प्रमोशन से मना कर दिया तो फिर मतलब बढ़ी हुई तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, ये आदेश भी जारी कर दिया। देख सकते हैं प्रमोशन को लेकर नियम में बदलाव किया MP सरकार ने, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, लाइसेंसी शराब की दुकानों में अब म्यूजिकल कंसर्ट, ऑर्केस्ट्रा और डांस परफॉर्मेंस पर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। उड़ीसा की भाजपा सरकार शराब को लेकर ये नई नीति लेकर आई है, जिसके तहत लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानों में अब इस तरह के सभी कार्यक्रमों की अनुमति दे दी है। ऑर्केस्ट्रा, म्यूजिकल परफॉर्मेंस वगैरह, नाच गान भी हो पाएगा, मतलब पार्टी, है ना। चलिए खबर है, जेल में बंद कैदियों को राहत मिलेगी, अब डिजिटल ऐप से मिलेगी पेरोल, फरलो, सब कुछ ऐप के जरिए होगा। हरियाणा में जल्द ही हर जिले का एक डिजिटल ऐप होगा, जिसमें जिले के सभी घोषित अपराधियों का विवरण, फरलो, पेरोल वगैरह देने की प्रक्रिया, FIR, चालान, सब कुछ ऑनलाइन कम्प्लीटली ऐप के माध्यम से होगा। ये नया प्लान बनाया जा रहा हरियाणा में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बेरोजगारी पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि बेरोजगारों से भी ज्यादा नौकरी पेशा लोग ये कदम उठा रहे हैं, खुद की जान ले रहे हैं। मतलब हर 40 मिनट पर एक स्टूडेंट अपने आप को इस दुनिया से अलविदा कर रहा है। और रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि 70% टीचर्स डिप्रेशन को बीमारी भी नहीं मानते हैं। देखिए मतलब हमारे देश में स्टूडेंट के ये हालात काफी ज्यादा चिंतनीय है। ये जो आंकड़े जारी किए वाकई में चौंकाने वाले हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज ये आंकड़े भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। तो ये सितंबर महीने का नया सप्ताह 7 राशियों के लिए फायदेमंद रहेगा। धनु राशि वाले नौकरी पैसा लोगों के प्रमोशन के योग है। तुला राशि वालों की इनकम भी बढ़ सकती है। और आज 1 सितंबर का राशिफल भी देखिए, मेष कर्क राशि के लोगों को रुका पैसा मिल सकता है। वृश्चिक राशि के लोगों को नौकरी में बदलाव के मौके भी मिलेंगे। वहीं कर्क राशि के लोग गलत आदतें छोड़ देंगे तो नुकसान से बच जाएंगे। सिंह राशि के लोग भी योजना के अनुसार काम करें तो लाभ मिलेगा। और अंत में आज का एक सुविचार देखिए, अपने लिए बेहतर काम करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों का भी उसमें बेहतर होना चाहिए। ऐसे काम करना बहुत बड़ी बात है। मतलब खुद का भला तो सभी देखते हैं, लेकिन आप अगर कोई काम कर रहे हो ऐसा जिससे कि आपके साथ साथ दूसरों का भी अगर भला हो रहा, तो ये सकारात्मक सोच आपको सफलता दिलाने में बहुत ही मदद करेगी, काम आएगी, है ना। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जनरल साइंस का क्वेश्चन है, कमेंट में लिखिए इसका सही जवाब। चलो आपको ऑप्शन भी बता देता हूँ, विटामिन ए, बी, सी या डी। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।